मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू की। सीएम ने सबसे पहले प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ चर्चा की, इसके बाद खेल तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ बात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू की। पहले दिन शिवराज सिंह चौहान ने यशोधरा राजे सिंधिया और विश्वास सारंग से चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने विभागों के क्रियाकलापों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी सीएम को दी और कुछ साथ सुझाव भी दिए। सीएम ने दोनों मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में चर्चा करने के बाद उन्हें कुछ निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके पहले मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की थी और उन्हें व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण मध्य प्रदेश में करें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है। और जब हम गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज के एनहेंसमेंट के साथ साथ उससे संबंध अस्पतालों के उन्नयन की भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नेशनल हेल्थ कमीशन की जितनी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जितनी नई विधाओं के छात्र हम मध्य प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में कोर्सेज लाकर निर्माण कर सकते हैं उस पर सब पर हमें काम करना चाहिए। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि हमारे पीजी कोर्स में जो जो नई विधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, क्रिटिकल केयर का मामला हो, इमरजेंसी मेडिसिन एक बड़ी विधा है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसको लेकर हमें काम करना है, इन सब के पीजी कोर्स हम मध्य प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको हरी झंडी दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा की जो योजना उन्होंने शुरू की है, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आई थी कि डिस्कस हो जाए हमारे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चल रहा है और आगे के लिए भी क्या एक्शन हम लेने वाले हैं। अच्छी सहज चर्चा हुई जिसमें ग्लोबल स्किल्स पार्क की ज़्यादातर बात हुई थी। ग्लोबल स्किल्स पार्क सीएम साहब का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो जब वो सिंगापुर गए थे तो उनने वहाँ ग्लोबल स्किल्स पार्क देखा था और उसी को ही उनने पूरी मॉडल उसी को कॉपी करके यहाँ लाई है। तो 2017-18 में उनने किया था, फिर 2019 में उनकी सरकार नहीं थी, अब 2020 में हम वापस इसको पटरी पे ला रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।